असलम प्यारे दोस्तों हजरत मीनारज़रतम जहाँ हज़रतम नज़ुल फ़रमाएंगे वो जगह कहाँ पर है जनाब नबी करीम वसल्लम के वसाल के तीन साल बाद 635 सौ ईस्वी में दमिश्क़ फ़तेह हुआ रोमियों ने अपने दौर में इस जगह को खूबसूरत और आलिशान इबादत गाह बनाई ये महासदियों तक इबादत करते रहे फिर ईसाइयों का दौर आया तो ये जगह ईसाइयों के कब्ज़े में चली गई पादरियों का मानना था कि हजरत सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और वो आसमान से इसी मुकाम पर उतरेंगे पाद्रियों ने मुकाम के निशानदी के लिए वहाँ एक चबूतरा बना दिया मुल्क शाम यानी कि सीरिया जब मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो ये भी उस मुकाम के करीब इबादत करने लगे फिर ये जगह तमाम मुजाहिद के लिए मुकदस और कीमती हो गई फिर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया तो इस जगह को खलीफा ने दुनिया की सबसे अजीम तरीन मस्जिद बनाने का फैसला लिया लेकिन पादरी ये जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं थे मुजाकत हुए लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार खलीफा ने पादियों को दूसरी जगह चर्च और बहुत सारी ज़मीन देकर राजी कर लिया और वलीद बिन अब्दुलमलिक को जगह मिल गई मगर ईसाइयों ने एक शर्त रखी कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के वापसी के मुकाम को नहीं छेड़ेंगे और खलीफा ने यह शर्त मान ली खलीफ़ा ने ज़मीन हासिल करने के बाद वहाँ शानदार मस्जिद तामीर कराई मस्जिद बनाने में दस साल और ग्यारह मिलियन सोने के सिक्के लगे ये मस्जिद जामिया उमैया कहलाती है ये तेरह साल बाद भी मुसलमानों के लिए मुकद्दस मुकाम और मुबारक मुकाम है हज़रत यहाम और हज़रत हुसैन रजीाल ताल के सर मुबारक भी इसी मस्जिद में मदफून है मस्जिद में तीन मीनार है और ये तीनों मीनार बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद का मशरक़ी मीनार उस जगह बनवाया जहाँ हजरत ईसा आलाम दोबारा उतरेंगे ये मीनार सफ़ेद रंग का है और लोग इसे मीनार ईसा भी कहते हैं ईसाइयों और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल शाम पर हमला करेगा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी दमिश्क तशरीफ लाएंगे मुसलमान दज्जाल के मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे असर का वक्त होगा बाज़ हदीस के मुताबिक फ़जर का वक्त होगा नमाज के लिए सफ़ेद दुरुस्त हो रही होंगी अचानक हजरत ईसा सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफेद मीनार पर उतरेंगे वो जर्द रंग की चादरों में होंगे और उनके बालों से पानी की बूंदें टपक रही होंगी ये मुसलमानों और ईसाइयों का अकीदा है दोस्तों इस मीनार के दरवाजे पर आज कल ताला लगा हुआ है इसलिए कि कोई मीनार पर चढ़कर हजरत ईसा आलाम होने का दावा ना कर दे आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए